हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिरजय सुमार है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन थर्ड 13, जो बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्स सप्लाई। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम तो पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की। सप्लाई होती है रेगुलेटरी फॉर्मवर्क पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू नेचर ऑफ सप्लाई गुड एंड सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड एंड सर्विस, प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम एंड सप्लाई, वैल्यूएबल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो रिलेटेड टू आर सब्जेक्ट प्रोवाइड होते हैं टाइम टू टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, आखिर सप्लाई होती क्या है। यहाँ पे दे रखा है सप्लाई मीन्स टू मेक समथिंग अवेलेबल टू समवन हु नीड्स। सप्लाई मतलब क्या है कि कोई चीज प्रोवाइड करना उन पर्सन को जिसको वो चीज या वो थिंग जरूर है, उसे हम सप्लाई कहते हैं। एंड सप्लाई इंक्लूड जैसे सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इफ पर्सन अंडरटेक एनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग The course or furtherance of business for consideration it called supply। अगर कोई भी person, अगर कोई person sale करता है, trade करता है, license, rental या lease देता है, disposal करता है, तो अगर वो दे रहा है कोई चीज किसी को, बदले में वो consideration कुछ भी ना कुछ ना कुछ ले रहा है, तो उसे हम supply कहते हैं, उसे हम supply कहते हैं ना। बात करते हैं स्कोप ऑफ सप्लाई हैज बीन गिवन अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। टैक्सेबल इवेंट मींस एन इवेंट और द सिचुएशन व्हिच गिव्स रेज टू टैक्स लायबिलिटी। अब यहां पे बोला गया है कि टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जहां अधिकार है या फिर वो सप्लाई जहां पर हम टैक्स लगा सकते हैं, जहां पर टैक्स लगा सकते हैं उसे हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं ना। आज हम पढ़ेंगे, इसमें पहला हम सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 पढ़ेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कभी भी सेक्शन 7, 12, 13, 14 और 15 और सेक्शन 7, 18, 19, 10, 11, 12, 13 में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेक्शन 7 बात करता है, सो वो बात करेगा केवल सीजीएसटी एक्ट के, जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स, स्कोप ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम से रिलेटेड हम सीजीएसटी में पढ़ेंगे, टाइम से रिलेटेड हम सीजीएसटी में पढ़ेंगे, मगर वही इंटरस्टेट सप्लाई और सप्लाई टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स इंपोर्टेड इनटू, जैसे हम इंटरस्टेट से रिलेटेड हम इंटरस्टेट में पढ़ेंगे, और जितने भी सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई से वैल्यू ऑफ सप्लाई, हम ये सारी चीजें सीजीएसटी में पढ़ेंगे। यहाँ कंफ्यूज मत होना सेक्शन को लेके। तो अब बात करते हैं सेक्शन 7 की, आखिर सेक्शन 7 बोलता क्या। सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या पढ़ रहे हैं हम, इंटरग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट। Deal with the situation where a supply is categorized as a interstate supply. अब interstate supply बताया गया है कि वो situation जहाँ जिसे या फिर हम जिसे interstate supply कहते हैं। Simple word में हमने बता दिया था, inter मतलब होता है दो शहरों के बीच, दो चीजों के बीच, और state मतलब शहर, मतलब दो शहरों के बीच जब supply होता है उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसे इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे और वहां आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहला बता रखा है डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस और द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन टू डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। इसका मतलब अगर मुंबई और गुजरात दो डिफरेंट स्टेट अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें हम इंटरस्टेट बोलेंगे। यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पुडुचेरी, ये सारी क्या है कि अगर ये दोनों आपस में सप्लाई करती हैं, तो इन दोनों को हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र अगर दिल्ली अगर सप्लाई करते हैं तो उन्हें भी हम यूनियन स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। अब बात करते हैं इंपोर्ट सप्लाई इंपोर्ट्स गुड्स टिल दे क्रॉस द कस्टम ऑफ द इंडिया। इसका मतलब जितने भी गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे इंडिया में, उन्हें भी हम इंटरस्टेट सप्लाई या उस पर भी इंटरस्टेट एक्ट एप्लीकेबल होगा। नाउ एक्सपोर्ट एंड अदर सिनेरियो,
सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। अगर सप्लायर जो है वो लोकेटेड हो रहा है इन इंडिया में, मगर वो सप्लाई जो कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है, तब भी IGST एप्लीकेबल होगा। एंड टू और बाय सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। अगर हमें किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को दे रहे हैं, तो इन अगर इन दोनों में भी सप्लाई हो रहा है या इनके लिए सप्लाई इनके द्वारा सप्लाई करा जा रहा है, तब भी IGST एप्लीकेबल होगा। इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंटर स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर अदर एल्सवेयर इन दिस सेक्शन। और जो हर एक सप्लाई जो इंटर स्टेट में नहीं कवर होता, उसे हम क्या बोलेंगे, IGST मतलब इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ना वो हम पढ़े थे सेक्शन 7। अब बात करते हैं सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, डील विद द सिचुएशन वेयर सप्लाई इज कैटेगराइज एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। Such situations are tabulated as under where the location of supply and the place of supply are in the same state or same unit territory intrastate supply। इसका मतलब जो शहर है उसी के अंदर किसी विलेज या फिर किसी छोटे छोटे गांव के बीच अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी सप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जो एप्लीकेबल होगा वो होगा उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे, और उस पर भी IGST ही एप्लीकेबल होगा। जैसे अब बात करता हूँ महाराष्ट्र के बीच में दो गांव ले लेते हैं, कोई भी गांव, अगर दो गांव आपस में सप्लाई कर रहे हैं, मगर वो महाराष्ट्र के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे। और अगर दिल्ली की बात करो तो यूनियन टेरिटरी दो छोटे छोटे, उसमें भी दो गांव है और वो आपस में ही सप्लाई कर रहे हैं मगर वो दिल्ली के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां उसे भी हम इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे, उस पर भी IGST एप्लीकेबल होगा। ना यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज अ नॉन नॉट इंट्रास्टेट सप्लाई। सिंपल सी बात है, हर एक वो इंटरस्टेट सप्लाई उन सबको हम क्या, वो सारे इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है। इसका मतलब जितने भी इंटरस्टेट सप्लाई हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है। जैसे सप्लाई टू बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सप्लाई फॉर गुड दे क्रॉस द कस्टमर फॉर नाइट, इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फॉलोइंग सप्लाई विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई इसका मतलब दो शहरों के बीच इंपोर्ट्स गुड, इन सबको क्या बोले जाएंगे, इंटरस्टेट सप्लाई। अब सप्लाई रिसीव इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट लोकेटेड इन नोएडा, इन सबको इसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई मेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर इन द कैनेडा फ्रॉम द अहमदाबाद, इसे भी हम क्या बोलेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो सिंपल सी बात है इसे भी हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। गुड्स इंपोर्ट फ्रॉम द फ्रांस, इसे भी हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। तो ये जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं इन्हें हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। अब इसी में सप्लाई में जैसे अब सिंपल से बता रहा है कि सेम स्टेट उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे, डिफरेंट स्टेट हम इंटरस्टेट सप्लाई बोलेंगे। नाउ अब बात करते हैं सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर सेक्शन 9 ऑफ IGST एक्ट। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की बात यहाँ पर जाती है। अगर हम सप्लाई समझ लिया जाए कि कोई दो सिप है और वो सिर्फ पानी में ही सप्लाई कर दी, एक सिप से दूसरे सिप हम कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या उसे भी हम सप्लाई एप्लीकेबल होगा, मगर कब होगा इसकी बात करते हैं। सो सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर नॉट विथ एनी स्टैंडिंग एनी कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज अ टेरिटोरियल वाटर। अगर कोई भी लोकेशन जहां समुद्र के बीच में हम सप्लाई कर रहे हैं या फिर सप्लायर है वहां पे, द लोकेशन ऑफ सप्लाई या फिर वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ टेरिटोरियल वाटर, द प्लेस ऑफ सप्लाई सेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डीम्ड टू बी कोस्टल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें पता करना है कि आखिर कौन से स्टेट में वो सप्लाई करी जा रही है, कौन से स्टेट को टैक्स, अगर हमें पता तभी हम टैक्स जो है कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद जो स्टेट को देंगे या फिर गवर्नमेंट को देंगे तभी दे सकते हैं ना, कि पता चले कि कौन से स्टेट में ये सप्लाई हो रहा है। तो टेरिटोरियल वाटर में अगर सप्लाई हो तो कैसे पता चलेगा कि भाई हम कौन से स्टेट में हम टैक्स लगाए और कौन से स्टेट में हम टैक्स दे प्रोवाइड करें। तो अगर हमें कोई भी
कोई भी अगर सप्लाई हो रहा है टेरिटोरियल वाटर में, इसका मतलब समुद्र के बीच में, तो सबसे नियरेस्ट जो पोर्ट पड़ेगा, या फिर नियरेस्ट क्या पड़ेगा, स्टेट पड़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डीम कोस्टल स्टेट मान लेंगे या फिर यूनियन टेरिटरी मान लेंगे, फॉर परमानेंट बेसलाइन इज लोकेटेड, और उसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाएंगे। नाउ एक्सपेक्ट टेरिटोरियल वाटर हैव नॉट बीन डिफाइंड एज सीजीएसटी लॉ, सिंपल सी बात है, जीएसटी लॉ में एक्सपेक्ट टेरिटोरियल वाटर को डिफाइन नहीं करा गया। इट शुड बी अंडरस्टूड द एरिया ऑफ द अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द सी कोस्ट इन टू द सी। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, हम उसे समझेंगे, उसे एरिया समझेंगे, टेरिटोरियल वाटर समझेंगे, जो हमारे 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन सी कोस्ट, अगर हमारा सी कोस्ट है तो उसके 12 नॉटिकल्स जितने भी दूर तक फैला हुआ है उसको हम क्या समझेंगे, टेरिटोरियल वाटर समझेंगे। अब मान लिया जाए कि 12 नॉटिकल माइल्स कितने किलोमीटर के होते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल्स में कितना 1.853 किलोमीटर का दायरा होता है, तो इतनी दूरी मतलब इसका मतलब मान लिया जाए तो ये होगा कम से कम, मान लिया जाए 20 किलोमीटर के आसपास का जितना भी दायरा आपके स्टेट से टच समुद्र है उसके दूर तक जितने 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी है तो उसे हम टेरिटोरियल वाटर कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। नाउ अब बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। सच एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हैज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, हाउएवर द कलेक्टिव रीडिंग ऑफ द वेरियस प्रोविजन मेक्स अस अंडरस्टैंड द पर्पस एंड रिलेवेंस देयरफॉर in the GST law. The prime purpose of place of supply is to determine whether a supply is interstate or interstate and consequently to determine whether the GST to be charged or a CGST or UTGST. Simple se baat hai, hamara jo sabse main purpose hai hame place of supply janne ka, wo isliye ki aap interstate supply lagaye ya interstate supply interstate mana jayega ya fir interstate mana jayega, aur hum agar lagaye to IGST lagaye CGST ya fir UGST टैक्स एप्लीकेबल होगा उस चीज पे, इसलिए हमें सबसे जरूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। अब प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर क्या है, गुड्स की बात करेंगे। सेक्शन 10 प्रिस्क्राइब द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। देयर आर 5 रूल्स ईच कवरिंग अ यूनिक सिनेरियो एज अंडर। यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं, 5 रूल दिए रखे हैं जो बताते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई किसे डिसाइड करा जाएगा, किसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। तो सबसे पहले सिचुएशन ये है, सप्लाई इन्वॉल्वमेंट मूवमेंट ऑफ द गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट और बाय द एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पर दे रखा है सप्लाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड, इसका मतलब हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स यहाँ से वहां मूवमेंट करी जा रही है, एक मतलब यहाँ से वहां या किसी पर्सन को ट्रांसफर करी जा रही है, तो उस पे किसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर बोला सिचुएशन इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर या फिर रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, देन द लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपिएंट। अब जो लोकेशन ऑफ गुड, इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स उसे माना जाएगा जो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ द गुड टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी, जहां से दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है, जहां से दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है, डिलीवर करा जा रहा है, उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि आप इंस्ट्रक्शन 1 पढ़ के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन 1 बोलते हैं क्या, जैसे मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सेल रेफ्रिजरेटर टू द मिस्टर मिसेस वाई ऑफ अहमदाबाद। तो यहाँ पर क्या है, जो मिस्टर एक्स है वो कहा मुंबई में रहते हैं और उन्होंने सेल्स करा रेफ्रिजरेटर किसको करा, मिसेस वाई को जो अहमदाबाद में रहती है। तो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, हम अपना जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है मूवमेंट्स, हम अपने गुड्स का क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इन्हें जहां लोकेशन है रिसिपिएंट की उसे हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, क्या बोला जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात आर डिफरेंट स्टेट, दैट्स व्हाई आईजीएसटी वुड बी चार्ज बीइंग द इंटरस्टेट सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई जो रिसिपिएंट है, यहाँ पर बोला गया है
हमने पढ़े थे, लोकेशन गुड्स एट विच एट टाइम विद द मूवमेंट गुड टर्मिनेट फॉर द डिलीवरी टू द रिसिपेंट, जिसे रिसिपेंट की जो जहां रिसिपेंट मतलब जिसको हम दे रहे हैं, जिसको हम गुड्स बेच रहे हैं, उसकी जगह को क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा सिचुएशन वन के अकॉर्डिंग अगर इन्वॉल्व हो रहा है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। अब बात करते हैं वेयर द गुड आर डिलीवर बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट या फिर एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन whether acting as a agent or otherwise before or during of movements of good either by way of transfer of document of the title good or otherwise it shall be deemed to that the said third person has received the goods and the place of supply of such goods shall be the principal place of the business of third party. जो थर्ड पार्टी है उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब थर्ड पार्टी क्या, वो हम भी इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन टू बोलता है ए हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे, है इनके पास रजिस्टर्ड प्लेस कहाँ है, यहाँ पे बात करते हैं पुणे में, द प्लेस ऑन ऑर्डर ऑन बी लिमिटेड इन न्यू दिल्ली, और जो प्लेस होता है ऑर्डर कहाँ होता है, बी लिमिटेड को न्यू दिल्ली में, फॉर डिलीवरिंग अ पार्सल टू सी हु वॉज नासिक। अब क्या बोलते हैं कि ए बोलते हैं बी से, ए बोलते हैं बी से कि आप एक ऑर्डर प्लेस कर दो, आप एक ऑर्डर पार्सल कर दो किसको, सी को, हु वॉज नासिक, हु वॉज तो नासिक, तो इन द केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए बी एंड ए सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट आईजीएसटी वुड बी चार्ज। अब सिंपल से जैसे हमने पढ़ा था कि जो थर्ड पार्टी है उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी ए हैविंग द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ पुणे बिजनेस, कौन इसका मतलब जो डायरेक्शन दे रहा है दूसरे पर्सन को सप्लाई करने के लिए किसी तीसरे पर्सन को, तो जो पहला पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप किसी और पर्सन को सप्लाई कर दें, तो उस पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस को हम सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो जिसमें यहाँ पर ए को क्या, ए के प्लेस को क्या कहा गया है, प्लेस ऑफ बिजनेस सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कहा गया है। तो यहाँ पर अगर दो डिफरेंट स्टेट हो तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। Now, अब बात करते हैं हम थर्ड सिचुएशन की, where the supply does not involve the movement of good whether by the supplier or the recipient। वहां पे हम जब ऊपर पढ़े थे सिचुएशन वन में ये दे रखा था इन्वॉल्व हो रहा है मूवमेंट्स ऑफ गुड, मगर थर्ड सिचुएशन में नॉन इन्वॉल्व द मूवमेंट्स ऑफ गुड, इसका मतलब वस्तु जो हमारी प्रोडक्ट है उसे हिलाया ही नहीं जा रहा, किसी को डिलीवर नहीं करा जा रहा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, location of such good at the time of delivery to the recipient, a place of supply location, जब हम goods को supply deliver कर रहे recipient को जिस place पे, उसे हम place of supply कहेंगे। example यहाँ पे दे रखा है, श्री निवास from the Bangalore travel to Chennai, श्री निवासन जो है वो Bangalore से Chennai आते for the vacation and purchase laptop from the Croma at Chennai, और वो क्या करते हैं कि laptop purchase करते हैं from the Croma चेन्नई में। इन केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी तमिलनाडु एंड सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम। अब यहाँ पे क्या है, चेन्नई जो है, चेन्नई वो जहाँ वो तो जहाँ वो पे है वहीं पे वो सब परचेस भी कर रहे और वहीं पे उन्हें सप्लाई भी करा जाए, इसका मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड नहीं हो रहा फॉर द सेल। क्या हो रहा है, कोई भी हम यहाँ से दूसरी जगह कभी भी जो गुड्स है उसे ट्रेवल नहीं कर रहे, उसे इन्वॉल्व मूवमेंट्स नहीं कर रहे, जहां पर कोई पर्सन है वहीं वो सप्लाई वहीं पे वो गुड्स परचेस कर रहा है, तो इसलिए दोनों जो जगह है प्लेस है वो सेम हो रही है, तो इसलिए सेम लगेगा सेम। तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी वुड बी चार्ज बीइंग अ इंटर स्टेट सप्लाई, और इसे हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे ना। अब बात करते हैं वेयर द गुड आर असेंबल और द इंस्टॉल एट साइड प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबली और इंस्टॉलेशन। अब ये बताया गया है कि जहां पर हम कोई प्रोडक्ट ले जाके इंस्टॉल या असेंबल कर रहे हैं तो जहां पर हम वो गुड्स प्लेस और असेंबल या फिर इंस्टॉल कर रहे हैं उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अब एग्जांपल दे रखा है यहां पे, इंस्ट्रक्शन दे रखा है फॉर, जैसे सूर्य नारायण फ्रॉम जमशेदपुर ऑर्डर मशीन टू बी इंस्टॉल इन हिज फैक्ट्री एज अ जमशेदपुर, द सप्लायर
from the Kolkata shows that part from the various sites across the country, after which machine was successfully installed at a factory at Jamshedpur. तो यहाँ install कहाँ हो रही है? Jamshedpur. तो जमशेदपुर जो है वहां पे उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहां के जहां बोला गया है कि जहां कोई भी असेंबल होगा जहां इंस्टॉल होगा उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. तो इन दिस केस द सप्लाई ऑफ द वुड बी जमशेदपुर झारखंड सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड आर डिफरेंट एडजस्टिव वुड बी चार्ज. बात करते हैं हम फोर्थ सिचुएशन फिफ्थ सिचुएशन की. सप्लाई ऑन द बोर्ड कन्वेंस include a vessel and aircraft or the train or the motor vehicle the location where the goods are taken on the board. simple ये पे क्या बता गया है कि अगर हम कोई भी vessel की बात करें aircraft motorcycle या train जैसे क्या होता है कि अगर train जा रही है तो उसमें जो goods load किया जाता है goods या फिर food जो load किया जाता है food लोड किया जाता है फॉर द सेलर जो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर उन्हें बेचने के लिए उन्हें सेल करने के लिए तो जहां से लोड करा जा रहा है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. एग्जांपल की बात करें तो हावर्स न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्लाई फूड विच वॉज टेकन ऑन द बोर्ड एट द मुगल सराय इन द उत्तर प्रदेश द प्लेस ऑफ सप्लाई फूड फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द सप्लायर फूड एंड द रेलवे वुड बी उत्तर प्रदेश. तो जहां पे लिया मतलब लोड करा जा रहा है जितने भी फूड है टेकन करा जा रहा है बोर्ड द मुगल सराय इन द उत्तर प्रदेश तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं लोड कर रहे हैं ट्रेन में जितने भी फूड से तो यहाँ पे हम क्या बोला जाएगा उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे. नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 बता रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. हमने प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स अगर हम स्टेट की बात करें विद इन इंडिया या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में हो रहा था तो हमने समझ गए कि हाँ इंटर स्टेट और किसे हम इंटर स्टेट कहेंगे. अब जब बात आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तो हम कब किसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे. इन द केस ऑफ इंपोर्ट्स अगर इंपोर्ट करा जा रहा है तो प्लेस ऑफ द सप्लाई इज लोकेटेड ऑन ऑफ इंपोर्टर. अगर कोई जैसे इंडिया का कोई पर्सन महाराष्ट्र में रह रहा है और वहां से वो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स तो महाराष्ट्र जो होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा. नाउ इन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड प्लेस ऑफ सप्लाई सिचुएशन Place of supply is the location outside India. अब place of supply जो होगा export की बात करेंगे तो outside India कहलाएगा जहां हम supply करेंगे product. अब बात करते हैं सब place of supply of service जो होता है section 11, section 12 and 13. Section 12 and 30 of IGST. अभी हम बात कर रहे थे place of supply goods की जो section 10 और 11 पड़ा. अब बात करेंगे हम सब place of supply of service की. Where the both location of the supply and location of the recipient are located in India. अगर बात करा जाएगा यहाँ पे जो section 11 है वो बात करता है जब दोनों supplier और recipient जो दोनों हैं वो इंडिया में रहते हैं तब section 12 applicable होगा. अब बात करते हैं हमारा सबसे पहला general principle जो रहेगा in the case of service कि place of supply कौन सा है. तो सबसे पहला जो हमारा general principle होगा वो ये होगा जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अगर रजिस्टर है रिसिपेंट तो जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगा उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट एड्रेस ऑन द रिकॉर्ड एग्जिट और लोकेशन ऑफ सप्लाई इन द अदर केसेस. अब अगर बात कर ली जाए जो हमारे रिसिपेंट है यहाँ रिसेंट की जगह रिसिपेंट लिख लेना. अगर रिसिपेंट जो है वो हमारा रजिस्टर है तो उसका जो लोकेशन होगा उसे हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विस. अगर बात कर ले जाए रिसिपेंट जो अनरजिस्टर है तो उसका जो एड्रेस दिया हुआ है रिकॉर्ड करा गया है एड्रेस तो उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. या फिर अगर मान लिया जाए कि एड्रेस भी नहीं दिया और वो पर्सन अनरजिस्टर भी है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर को हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. सबसे पहला प्रिंसिपल रूल यही है जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ. अब बात करते हैं सेक्शन 12 जहां एक्सेप्शन दे रखा है और केसेस दे रखा है. इसका मतलब यहाँ पे जो हमने जनरल प्रिंसिपल दिया इसके एक्सेप्शन दे रखे हैं और कुछ स्पेशल केसेस भी दे रखे हैं. जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी और बोर्ड या फिर व्हीसल एट द केस में बी लोकेटेड और इंटरेस्टेड टू बी लोकेटेड उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. इसका मतलब हमने क्या बोला कि जहाँ जो लोकेशन दे रखे रिसिपेंट की अगर रजिस्टर है
तो उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, या फिर अनरजिस्टर है। सो हम ये पढ़े थे, अगर अनरजिस्टर पर्सन है, अगर अनरजिस्टर है तो ये था कि अगर उसका एग्जैक्ट एड्रेस दे रखा है तो उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर वहां पे एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं दिया तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मगर एक्सेप्शन केस क्या है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी और द बोट और विसल एट द केस में बी इज लोकेटेड और इंटेंड टू बी लोकेटेड, तो उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, उसे हम प्लेस। इसका मतलब अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी जहां रखी हुई है, जहां पर है, या फिर बोट है या फिर विसल है, तो उस जहां पर जो इस जिस जगह पे है, जिस जगह पे है, उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ यहाँ पे दे रखा है एक्सेप्शन, क्या दे रखा है, स्पेशल केस दे रखा है। डायरेक्टली इन रिलेशन टू अ इमोबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइड बाय द आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेट, सर्वेयर, इंजीनियर, अदर रिलेटेड एक्सपर्ट और स्टेट एजेंट, या फिर एनी सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमोबल प्रॉपर्टी और फॉर कैरिंग आउट या फिर कोऑर्डिनेशन कंस्ट्रक्शन वर्क और लोडिंग अकोमोडेशन बाय द होटल इन गेस्ट हाउस होम स्टे और कपल ऑफ कैपिटल बाय व्हाटएवर नेम कॉल एंड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर व्हीसल, या फिर अकोमोडेशन इन एनी मोबाइल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज या रिसिपेंट और अदर मैटर रिलेटेड टू देयर टू ऑफिशियल सोशल कल्चर रिलीजन और सर्विस फाउंडेशन इंक्लूडिंग सर्विस बाय सच फंक्शन शैल बी सच प्रॉपर्टी एंड सिली सर्विस और अबव। अब यहां पे दे रखा है कि अब यहां पे बात करते हैं हम पहले की बात करेंगे, बात कर ले जाए जैसे मेरे दिल्ली में घर है और मैंने क्या किसी भी इंटीरियर डेकोरेटर या फिर आर्किटेक्चर को बुलाया कि मेरा जो घर है दिल्ली में इसके आप एक इंटीरियर डिजाइन बना दीजिए और आप जो डिजाइन बनाएंगे उसके पैसे लेना है, तो जहां मेरी इमोबल प्रॉपर्टी के लिए वो डिजाइन बनाएंगे और जिस जगह पर बनाएंगे उसे हम लोकेटेड ऑफ सप्लाई कहेंगे, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। इसका मतलब सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं इमोबल प्रॉपर्टी उसे हम लोकेशन मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का। अब दूसरा चीज क्या है, होटल इन ए गेस्ट हाउस होम स्टे। मान लिया जाए कि किसी भी होटल, जो दिल्ली में कोई होटल है और वहां पे आप जाके एक दिन रह रहे हो वहां से फिर अगले दिन चले जा रहे हो, तो जहां पे होटल है इन है या फिर गेस्ट हाउस है, तो उस जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे इन द केस ऑफ सर्विस, सिंपल। और दूसरा बात है इमोबल प्रॉपर्टी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एनी मैरिज। अब मान लिया जाए कि कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी है और वो ऑर्गेनाइज करा जा रहा है मैरिज के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, इन सब चीजों के लिए, या फिर किसी भी कल्चरल रिलीजन सर्विस या बिजनेस के लिए वो जो प्लेस है वो बुक करी जा रही है, तो जहां पे वो प्लेस है इमोबल प्रॉपर्टी है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे इन द केस ऑफ सर्विस। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे वही दे रखा है, अब why that if the location of immovable property or boat or vessel is located on tend be to located outside India, the place of supply deemed to be location of the recipient। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो immovable property boat है, vessel है, वे located outside India, या फिर मान लिया जाए कि वो होगी intend to be located outside India, तो जो recipient की जगह होगी उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ इफ द मोबाइल प्रॉपर्टी और बोट और व्हीसल इज द केस में बी इज द लोकेटेड एट द मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वैल्यू शैल बी टेकन प्रोपोर्शनेटली एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इनटू इन दिस रिगार्ड और इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर रूल। अगर कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी बोट या व्हीसल एक से ज्यादा स्टेट या फिर एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी में रह रही है, लोकेटेड है, तो उसके जो वैल्यू है वो दोनों हम प्रोफेशनली बांट लेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एज पर रूल या फिर एज पर एग्रीमेंट। अब बात करते हैं हम ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। इसका मतलब अगर मैं जिम में जाता हूँ और जिम मेरा दिल्ली में ही है, दिल्ली में किसी गांव में, किसी सिटी में, किसी छोटी सी जगह पे, तो जहां वो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जिस जिम में एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो उस जिम के जो लोकेशन है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे इन द केस ऑफ सर्विस। नाउ
ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अगर वो रजिस्टर है और लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस जहाँ हो रहा है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे अगर रिसिपेंट जो है अनरजिस्टर होता है ना। एडमिशन टू कल्चरल आर्टिस्ट स्पोर्टिंग साइंसिफिक एजुकेशन एंटरटेनमेंट इवेंट अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस एंड सर्विस एंसिलरी देयर टू place where the event is actually held or where the park or such other place is located, वो हमारा place of supply कहलाएगा। Simple बात करेंगे section 12 subsection 7 की। Organization of cultural, artists, sporting, scientific, educational, entertainment event including supply of service in relation to conference, fair, exhibition, celebration or similar event or ancillary to organize any of the event survey referred to clause A or assigning to sponsoring any event. तो location of such person, अगर person register है यहाँ पे क्या वो कोई भी organization करा जा रहा culture aesthetic या फिर sporting scientific education कोई भी entertainment event, तो अगर वो recipient क्या है register है तो उस location of such person की हम क्या मानेंगे place of supply, या फिर अगर unregistered है तो जहाँ इवेंट जो है वो जहां एक्चुअली हेल्ड करा जा रहा है, या फिर लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट इफ दैट इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। और अगर बात कर ली जाए कि जो इवेंट है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट मान लिया जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस, स्टेट ऑफ रिसिपेंट हमने पढ़ लिया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और इंक्लूडिंग कुरियर या फिर मेल, देन तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और इंक्लूडिंग कुरियर कर रहे हैं मेल कर रहे हैं, तो जो पर्सन है जहां रह रहा है वो पर्सन लोकेशन है उसे हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर लोकेशन वेयर गुड आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन उसे हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ द पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जो जो प्राप्त कर रहा है वो सर्विस उसको मान लेंगे, या फिर प्रोवाइड दैट वेयर द राइट टू पैसेज is given for the future use the, and the point of the embarkation is not known at the time of the issue or right of the passage, the place of supply of service shall be determined in accordance with the provision of sub section 2. इसका मतलब हम section 2 में जो पढ़ रहे थे कि जहां वो person का जो actual में हो रहा है उसी जगह को, जहां वो person actual में service ले रहा है उस जगह को हम क्या मान लेंगे place of supply मान लेंगे। तो ये ऐसी सारी चीजें दे रखी है, अब आराम से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे ये दो चीज याद रखनी है हमें कि अगर रजिस्टर है जनरल रूल यही होगा कि अगर रजिस्टर है पर्सन तो जहां वो प्राप्त कर रहा है वो सर्विस उसे हम लोकेशन ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर रजिस्टर नहीं है तो सप्लायर की जो सप्लाई कर रहा है उसके लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे ना। यहाँ पे एनालाइज का मतलब कुछ एग्जांपल दिए हुए, इससे हम सारी जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से और ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझेंगे ना। मिस्टर ए इज ए कंपनी सेक्रेटरी, क्या है मिस्टर ए है वो कंपनी सेक्रेटरी है, रजिस्टर है मुंबई में, कहाँ है रजिस्टर है मुंबई में, एंड द ट्रेवल टू बैंगलोर फॉर हर बिजनेस पर्पस एंड स्टे एट होटल देयर, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर कर्नाटका इन द प्लेस ऑफ इफेमेरल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था ऊपर की जो प्लेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी है, प्लेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी उसी जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, इसी पर उसी जगह को हम क्या मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल से बता रखा है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है रजिस्टर तो है मुंबई में, ट्रेवल कर बैंगलोर फॉर द बिजनेस पर्पस एंड द स्टे एट होटल एंड स्टे एट होटल देयर, तो जहां वो रह रहे हैं वो होटल कहाँ है बैंगलोर में, बैंगलोर में है, तो जो बैंगलोर है वो क्या कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम place of immovable property। आगे तो दूसरा illustration है वो ये बताता है XYZ एक consultant है जो register है at Bangalore, provide training to its client employee at Mumbai, the client are the register at Chennai। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो provide supplier जो है वो क्या रजिस्टर है बैंगलोर में, मगर हम क्या गौर करते हैं कि recipient की बात करते हैं, जो सर्विस प्राप्त कर रहा है वो कहाँ पर है, वो उसका प्लेस वो कहाँ रजिस्टर है या फिर नहीं रजिस्टर्ड है, तो जो जिसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग टू क्लाइंट एम्प्लॉय जो एट मुंबई में, मगर वो रजिस्टर कहाँ है चेन्नई में, देन इफ द क्लाइंट रिसिपेंट इज रजिस्टर द प्लेस ऑफ लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट।
एंड इसका मतलब चेन्नई, जो कहां रजिस्टर कहां है वो चेन्नई में, तो जो चेन जहां रजिस्टर है उसी को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एंड कंसिक्वेंटली आईएसटी वुड बी चार्ज एट लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर डिफरेंट। सिंपल इन द अबव एग्जांपल इफ द क्लाइंट वाज अनरजिस्टर्ड, अगर मान लिया जाए कि जो इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने, इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर रजिस्टर बोला गया कि रजिस्टर है चेन्नई में, मगर मान लिया जाए कि रजिस्टर नहीं है, ये जो क्लाइंट है वो रजिस्टर नहीं है कहाँ पे, चेन्नई में, तो द प्लेस वुड बी हैव बीन मुंबई महाराष्ट्र एंड अगेन आईजीएसटी वुड बी चार्ज। तो क्या बोला जाएगा, अगर पढ़ा था हमने कि अगर रजिस्टर है तो सिंपल सी बात है जहां रजिस्टर है उसका हम मान लेंगे प्लेस ऑफ, मगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर उन्हें प्रोवाइड करी जा रही है ट्रेनिंग उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नाउ राधा इज रेजिडेंट of Mumbai and travel to Bangalore for vacation and the book ticket for the event at the water park. जो हाँ, तो फिर water park जो है, जहाँ water park है उसे place of immovable property की बात हो रही है, तो जहाँ water park है उसे हम place of supply कहलेंगे, would be Bangalore, Karnataka admission to event. Now Mr. X based in the Ahmedabad solicits the service of event management company based in the New Delhi for his daughter marriage. The plan for the destination wedding at the place in Udaipur. Ne in this case if the Mr. X is registered, agar maan le jaye ki Mr. X registered hai, maan le jaye, then the place of supply would be Ahmedabad. To jahan wo registered hain to unhi ki jagah ko kya maan le jaye, location of recipient humne padha tha jab register honge, to location of recipient hi kya maan le jayega, place of supply maan le jayega. Now Nagendra Kumar is the relocating from the Bangalore to Chennai and call for the package and move for the packaging and relocating and the shipping of the house of, in this case the place of supply would be Bangalore transportation service, assuming that the packer are also from the Bangalore CGST would be applicable. Ab yahan pe de rakha hai Nikhil from the Kolkata get a job at Mumbai and get a line connection done at Mumbai, then to jahan wo reh rahe hain, in the case place of supply would be Mumbai, jahan wo service prapt kar rahe hain use hum kya maan lenge, place of supply maan lenge. Now Priya and the unregistered person, yahan pe unregistered person, iska hum sabse bada jo main focus hai wahan par ye rahega ki jo bhi recipient hai, recipient ab pehle check karenge aur jo recipient hai wo ye dekhenge ki jo register hai ya fir unregistered hai, uske baad hi hum decide karenge ki place of supply aakhir hai kya. So Priya unregistered person from the New Delhi has an account with the bank at New Delhi. She is on a vacation in the Nainital and the visit a bank for the getting an demand draft made. In this case the address of the recipient will be available in the record of the supply. The place of supply would be New Delhi. Kyunki unregistered hai to kya bola gaya tha, agar unregistered hai to jahan unka jo record exit kar raha hai, रिकॉर्ड एग्जिट कर रहा है, रिकॉर्ड दिया हुआ एड्रेस का, उनकी एड्रेस का, तो उसे हम जो कहेंगे उसे हम कहेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे बता रखा है विद बैंक कहाँ है, न्यू दिल्ली पे, एड्रेस बता रखा है एग्जिट है, तो जहां पे वो एग्जिट है वो एड्रेस को हम लोकेशन मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. तो ये था हमारा सेक्शन 12. अब हम जो पढ़ेंगे सेक्शन 13 वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वेयर द लोकेशन सप्लाई और लोकेशन रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया. आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.